नजरिए से देखते हैं सर, जैसे कि मंदिर में नहीं है जाने के बाद, चाहे मस्जिद में जाने के बाद, जैसे कि एक मानते हैं आत्मा से कि हमारा ये सही हो जाए, पूरा हो जाए, तो हम ये चीज देंगे ना। हिंदू देखता है भगवान के, ना मुस्लिम देखता है अल्लाह के। एक विश्वास है, फल है, एक विश्वास है कि हम लोग इसके मानेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हमको पूरा होगा, यही चीज़ है, विश्वास है फल। जिसका मन हो जाता होगा कि मुस्लिम का भी मन होगा कि हमारा इससे हम हो जाएगा, आई हमको बेटा हो जाएगा, चाहे बेटी हो जाएगा, चाहे वो दौलत हो जाएगा, वो संपत्ति होगा, तो हम दुर्गा जी के चढ़ा देंगे, तो चढ़ा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं। जैसे कि हिंदू है तो दाहा होता है, कहीं सुनते जाइए, हिंदू है दाहा होता है तो उसमें पाग बांधता है, तो पाग बांधता है तो उसमें हिंदू भी मान देता है, तो हम देखते हैं कि पाग में हिंदू के बच्चा भी पाग बांध के घूमता है, या खसी हो या पाठी हो, चाहे जो हो, मुस्लिम का भी भलाई हो जाएगा तो वो भी देगा। हाँ हाँ, ये सब तो एकता है। हाँ तो एकता है कि जैसे भगवान अल्लाह भगवान बांटा हुआ नहीं है, सब एक ही है, धर्म अलग अलग है, एक है, जात एक है, आदमी एक है, या उसको भी काटेंगे तो वही खून है, मुस्लिम के भी काटेंगे तो वही खून है। इसलिए अगर एक धर्म जो मानते हैं हम लोग, हम भगवान को मानते हैं, वो अल्लाह का मानता है, कोई समस्या नहीं है, चढ़ाने से भी कोई ये नहीं है। जैसे कि मंदिर में, एक मिनट, मंदिर में यदि मुस्लिम रुपया दे मंदिर बनाने के लिए तो कोई दुख नहीं है, यदि हिंदू मस्जिद बनाने के लिए कोई रुपया दे तो कोई दुख नहीं, एकता के।
इतना समय लगने का कारण ये है कि यहाँ पर इस जो है प्रतिमा विसर्जन में झिझिया नृत्य का जो है महिलाओं के द्वारा वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें झिझिया नृत्य का करने का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो लोग जोग टोना इत्यादि का जो भ्रम और वास्तविकता है इसको जो है मुक्ति मिले, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा क्षेत्र, जिला सब जो है समृद्धि की ओर रहे और इससे जो है सुरक्षित रहे। इसीलिए महिलाएं शिफ्ट बाय शिफ्ट नृत्य करती हैं, झिझिया नृत्य करती हैं, जिसमें एक एक झिझिया पर 11 महिला 12 महिला का समूह रहता है जो बारी बारी से इस नृत्य को जो है करते हुए भगवती को प्रसन्न करती है और भगवती के आशीर्वाद से हमारा समाज जो है या आपको हमें सालों भर जो है सुख की ओर प्रगति पर आता है। खास करके जिस दिन से हमारा क्लास स्थापना होता है उस दिन से यह झिझिया नृत्य जो है वह यहाँ से गांव से चल करके माँ भगवती के जो है मंदिर में प्रतिदिन जाती है और भगवती से आराधना करके पुनः फिर जो है अपने स्थान पर चली आती है और प्रतिमा विसर्जन के दिन ये सभी झिझिया एक साथ मिल करके भगवती को अंतिम विदाई देते हुए भगवती को प्रसन्न करती है और अपना जो है जोग पूर्ण के लिए मुक्ति के लिए भगवती से प्रार्थना करती है। हमारा बाल लेकर बनने का कारण यह है कि यह प्रतिमा विसर्जन जो होती है इसमें नेपाल से बगल में मोतिहारी है, मधुबनी है, दरभंगा के तो हम अवस्थित नहीं है, मुजफ्फरपुर है और समस्तीपुर है, इतने सारे लोग दर्जनों जिलों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं जिसके कारण इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। साथ ही झिझिया नृत्य जो एक यह नृत्य है जो कहीं भी ये लुप्त हो चुका है लेकिन हमारे मिथिलांचल में खास करके हमारे माँ जालेश्वरी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस नृत्य को बरकरार रखा गया है जिससे लोग देखने के लिए और अपने परिवार की जो है सुरक्षा के लिए इस नृत्य में भाग लेते हैं। इसी कारण से इतना समय और भीड़ होता है। ये कारण है कि हमारे भसान में जो समय लगता है इसमें 2 किलोमीटर में इतनी लंबी भीड़ होती है जिसका उस नृत्य से प्रेम लगा हुआ है, उस नृत्य का जो है आध्यात्मिक जो है लगा हुआ है जिसको देखने के कारण भीड़ अपार होने के कारण जो लोग जो है यहाँ पर इतना समय लगता है। आज लगभग जो है हम लोग 5 बजे तक करेंगे, 6 बजे प्रतिमा को हम उठाए थे और हमारा कहने से हिसाब से लगभग आपको 17-18 घंटा का लक्ष्य है भगवती और लोग की आस्था पड़ी, उसे 22 घंटा लग सकता है। कमिटी में हम लोग 165 के ऊपर हैं।